अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم دل سے جو بات نکلے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلے اثر رکھتی ہے पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मुअज़्ज़ज़ सामियात असातिज़ाए किराम और काबिल क़दर मेरी माओं और अज़ीज़ बहनों, आज इंसान दुनिया की रंगीनियों में ऐसा बदमस्त हो गया है कि वो ये भी भूल गया है कि अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा। तो आइए आज इस भूली भटकी ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी गुजारने की अहमियत के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारी अहमियत क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह ताला ने इस आलम को निहायत ही प्यार मोहब्बत लुत्फ़ और इनायत से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इस आलम को अशरफुल उलूम यानी तमाम आलम में सबसे बेहतर और इस आलम में रहने वाले इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर पैदा किया है। अगर हम कुरान मजीद का जायज़ा लें तो भी हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस कदर इंसान को ज़ाहरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी कीमती फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला कुछ इस तरीके से इंसान को ज़ाहरी एतबार से कुरान मजीद में कीमती फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन यानी इंजीर की कसम, वज़ैतून यानी जैतून की कसम, वतूर सीनीन यानी कोहे तूर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन यानी इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। अब अल्लाह ताला इन तमाम मुअज़्ज़ज़ चीज़ों की कसम खाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम यानी हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में, बेहतरीन स्ट्रक्चर में, बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। इसी तरीके से जब इंटरनल इम्पोर्टेंस की बात आती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द करमना बनी आदम कि हमने इब्ने आदम को इज़्ज़तों वाला बनाया। ये बात याद रखिए कि किसी भी इंसान की तारीफ़ उसके ज़ाहरी हुस्न व जमाल के एतबार से तो की जा सकती है लेकिन उसकी इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अंदरूनी सलाहियतों के बिना पर की जाती है। लिहाजा गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन सा लफ्ज़ मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने करमना का लफ्ज़ मुंतखब फरमा कर हमें यह बता दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ाहरी खूबसूरती के एतबार से सबसे बेहतर बनाया ही था लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अंदरूनी सलाहियत के बिना पर भी सबसे मुअज़्ज़म और सबसे मुकर्रम पैदा किया है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आपको क्या लगता है, अल्लाह ताला ने यूं ही इंसान को इतना मुअज़्ज़म और इतना मुकर्रम पैदा कर दिया? क्या अल्लाह ताला ने यूं ही तमाम नेमतों के दरवाज़े खोल दिए? क्या अशरफुल मखलूक़ात का लकब देने के पीछे कोई मकसद नहीं था, जबकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ यानी आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने उसको हक़ के साथ बामकसद पैदा किया है। दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। जब हर छोटी से छोटी चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है तो हम तो फिर भी इस कायनात का अहम किरदार हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारा इस दुनिया में आने के पीछे कोई मकसद न हो। लिहाजा इस बात को समझिए कि अल्लाह ताला ने हमें प्लानिंग के ज़रिए बामकसद पैदा किया है। मैं यही बात आपको एक वाक़े के ज़रिए समझाना चाहूँगी। एक दानिश्वर था जिसका नाम सुकरात था। जब वो छोटा था तो रोज़ाना एक रास्ते से उसका गुज़र होता और उसी रास्ते पर एक कुम्भार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। जब सुकरात उस रास्ते से गुज़रता, उस कुम्भार को देखता तो वहीं बैठ जाता और ख़यालों में गुम हो जाता। अब कुम्भार भी रोज़ाना उसकी ये हरकत देखता। एक दिन कुम्भार ने सुकरात को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं रोज़ाना देखता हूँ कि आप यहाँ से गुज़रते हो और फिर यहीं बैठ जाते हो, क्या माजरा है? तो फिर सुकरात ने कहा कि बाबा, मैं आपको देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। कुम्भार ने कहा, अच्छा पूछो, हो सकता है जवाब मिल जाए।
सुकरात ने पहला सवाल किया कि बाबा मुझे ये बताओ कि आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते हो ये सबसे पहले कहाँ बनते हैं। तो कुम्हार ने कहा कि बेटा ये सबसे पहले मेरे जहन में बनते हैं, वहाँ उनका नक्शा तैयार होता है और फिर मैं मिट्टी को उसी नक्शे में ढाल देता हूँ तो ये बर्तन बन जाते हैं। सुकरात ने फौरन कहा, अच्छा बाबा अब मुझे समझ में आ गया कि वो जो खालिक है उसने भी हमें इसी तरीके से पैदा किया है, हम पहले उसके जहन में थे फिर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। फिर सुकरात ने दूसरा सवाल किया कि अच्छा बाबा मुझे ये तो बताओ कि आप इस मिट्टी में ऐसा तो क्या डालते हैं कि मामूली सी मिट्टी इतना खूबसूरत बर्तन इतनी खूबसूरत सुराही बन जाती है। तो कुम्हार ने कहा कि बेटा मैं सच बताऊं मैं इसमें अपनी पूरी मोहब्बत पूरी तवज्जो पूरी केयर डाल देता हूं क्योंकि बिलाखिर यही तो मेरी पहचान बनेगा। सुकरात ने फौरन कहा, अच्छा बाबा अब मुझे समझ आ गया कि जिस खालिक ने हमें पैदा किया है उसने निहायत ही प्यार मोहब्बत और तवज्जो के साथ हमें पैदा किया है क्योंकि आखिरकार हम ही तो उसकी पहचान बनने वाले हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने किस कदर प्लानिंग के ज़रिए मोहब्बत के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारा इस दुनिया में आना कोई कोइंसिडेंस महज एक हादसा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल प्लानिंग के ज़रिए हमें इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा और कहा कि जा मेरे बंदे अब तेरा वक्त शुरू हो गया। और हाँ याद रहे कि मैंने तुझे दुनिया में घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा बल्कि दुनिया में भेजने के पीछे तेरा एक मकसद है। और ये भी याद रहे कि वो मकसद मैंने तेरी पेशानी में नहीं लिख दिया ना ही चिट बनाकर तेरी जेब में डाल दी है बल्कि यही तेरा असल टास्क है कि तुझे दुनिया में जाना है और अपने मकसद को तलाश करना है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम मकसद को कैसे तलाश करें। वाकई मुअज़्ज़ज़ सामियात मकसद को तलाश करना इतना आसान नहीं है मगर वो रब्बे करीम अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो कभी भी किसी हाल में अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके ज़रिए रहनुमाई हासिल करें। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा है कि न तू ज़मीं के लिए है न तू आसमां के लिए है, न तू ज़मीं के लिए है न तू आसमां के लिए है, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं इस जहां के लिए। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की नेमतों के दरवाज़े इंसानों के लिए खोल दिए ताकि वो अपना मकसद तलाश करें मगर अफसोस कि जिस इंसान के लिए उनकी खिदमत के लिए इस दुनिया को दी गई थी इंसान ने उसी दुनिया को अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया। मुअज़्ज़ज़ सामियात हमें ऐसे ही बैठे नहीं रहना, हमें अपने मकसद को तलाश करना होगा। हम सिर्फ ऐसे जीने और मरने के लिए नहीं आए, हमें अपने अंदर झांकना होगा देखना होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कौन सी सलाहियतों को रखा है क्योंकि जिसने अपने अंदर झांक लिया उसने मकसद ज़िंदगी को पा लिया। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अज़ीज़ सामियात इसी के मुतालिक किसी ने क्या खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक बाबा थे रोज़ाना एक डब्बे में बैठकर भीख मांगा करते थे। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो कोड़ी कोड़ी के मोहताज थे। एक मर्तबा ठंडी से थुटर कर वो डब्बे से गिर गए और उनका इंतकाल हो गया। लोग आए, लोगों ने उस बाबा को उठाया, फिर उस डब्बे को उठाया तो देखते क्या है कि उस डब्बे के नीचे ख़जाना था। और देखो जो कोड़ी कोड़ी का मोहताज था उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि जिस डब्बे के ऊपर बैठकर वो भीख मांगता है उसी के नीचे ख़जाना छुपा हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामियात हमारे साथ भी यही होगा कि मरते वक्त हमें अंदाज़ा होगा कि हमने दुनिया में करने के तो सारे काम कर लिए लेकिन जो असल काम था अपने अंदर झांकना था अपनी सलाहियतों को पहचानना था वो हमने नहीं किया। मुअज़्ज़ज़ सामियात जिसने अपने अंदर झांक लिया अपनी सलाहियतों को पहचान लिया उसने मकसद ज़िंदगी को पा लिया और जिसने मकसद ज़िंदगी को पा लिया और उसको पूरा करने के पीछे लग गया दर हकीकत वो ज़िंदगी जी गया और जिसने मकसद ज़िंदगी को नहीं पाया दर हकीकत वो जीते जीते मर गया। याद रखो मुअज़्ज़ज़ सामियात खाना पीना घूमना फिरना पैसे कमाना और बच्चे पैदा करना सिर्फ यही हमारे करने के काम है और कोई मकसद ज़िंदगी नहीं है तो हम निरे हैवान हैं इंसान है ही नहीं क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं उलाइक अलअनआम बलहुम अज़ल के ऐसे लोग तो जानवर तो क्या उनसे भी बदतर हैं क्योंकि इंसान कहलाने का मुस्तहिक कम से कम वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद हो जिसकी ज़िंदगी का कोई नसबुल आयन हो जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद न हो वो तो जानवर तो क्या उससे भी बदतर है।
इंसान के पास ऐसा मकसद होना चाहिए जो उसके दिल को, उसके वजूद को और इसके ईमान को ज़िंदा रखे। या रब दिले मुस्लिम को एक ज़िंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को एक ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे। अज़ीज़ सामियात, यहाँ कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आज से ही अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करो, क्योंकि हमने अभी ही सुना कि जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता उनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। और हमारा शुमार तो फिर भी मस्तूरात में होता है, हमारा मकसद ज़िंदगी होना तो और ज़रूरी है, क्योंकि जब एक औरत की इस्लाह होती है तो पूरे माशरे की इस्लाह होती है। अगर हम माँ हैं तो हम पर बच्चे की इस्लाह की ज़िम्मेदारी है, अगर हम बहन हैं तो हम पर भाई से इस्लाह की ज़िम्मेदारी है, और अगर हम बीवी हैं तो हम पर शौहर की इस्लाह की ज़िम्मेदारी है। मगर जब हम हमारी अहमियत को नहीं पहचानेंगे तो हम इन ज़िम्मेदारियों को कैसे अंजाम देंगे? देखो, इस्लाम ने कभी भी औरतों को मकसद ज़िंदगी से दूर नहीं रखा। जितना एक मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो बामकसद ज़िंदगी गुजारे, उतना ही एक औरत के लिए ज़रूरी है कि उस ज़िंदगी के मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारे। मानते हैं कि घरेलू ज़िम्मेदारियाँ औरत का अव्वलीन फरीज़ा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चों की परवरिश और उमूर खानादारी के अलावा औरतें और कुछ काम नहीं कर सकती। बल्कि अल्लाह ताला ने तो औरतों में इतनी सलाहियतें रखी हैं कि औरतें इन तमाम ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देकर आगे का भी सोच सकती हैं। मगर ये तभी होगा जब औरतें अपनी अहमियत को पहचानेंगी। अगर औरतें अपनी अहमियत को पहचानती तो यूँ बेपर्दा बेहया न घूमती। अगर औरतें अपनी अहमियत को पहचानती तो पहनने ओढ़ने के अलावा और भी कुछ सोचती। अगर औरतें अपनी अहमियत को पहचानती तो अपने आप को यूँ दीन इल्म से दूर न करती। मगर अफसोस के औरतों ने अपनी अहमियत को जाना ही नहीं। एक काश के औरतों के पास मकसद ज़िंदगी होता तो वो कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी और कासिम नानोतवी जैसे गैरतमंदाना फ़र्द देती जिससे आज हमारी कौम ऐसे खून में लबरेज तो न होती। एक काश के औरतों के पास मकसद ज़िंदगी होता तो वह आफिया सिद्दीकी की तरह कौम के रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचती और कौम के लिए एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम कायम करती। एक काश के औरतों के पास मकसद ज़िंदगी होता हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह अपने आप को सरापा इल्म का सर चश्मा होती, जो न सिर्फ दीन इल्म से वाकिफ़ थी बल्कि दुनियावी इल्म, सियासी इल्म, रियाजी इल्म, हर इल्म में माहिर थी। एक काश के औरतों के पास मकसद ज़िंदगी होता तो वो कौला बिनते अजहर की तरह बहादुर और शुजात होती, जो सिनफ आहन थी, जो अकेली रूमियों को शिकस्त देने में काफ़ी हो गई थी। मगर अफसोस कि औरतों के पास आज मकसद ज़िंदगी ही नहीं है। इसकी वजह ही यही है कि औरतों ने अपनी अहमियत को पहचाना ही नहीं। मुआज़्ज़ज़ सामियात, हम कब तक अपने आप को इतने मकसद ज़िंदगी से दूर रखेंगे? कब तक हम सिर्फ अपने चेहरों को संवारते रहेंगे? हमें अपने दिल को भी संवारना है, हमें अपनी ज़िंदगी को भी संवारना है, और हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना है। मुआज़्ज़ज़ सामियात, अगर आपको अब अंदाज़ा लग गया है तो मांगे, उस अल्लाह से मांगे और उसको अपनी तड़प को दिखाइए, और कहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे अंदाज़ा लग गया है, मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ज़ाया नहीं करना। अब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेंगे। नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल मैसर तो आरजू ही सही। जब आप अल्लाह से मांगोगे तो देखना अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते खोलेंगे। फिर देखना कभी न कभी, कहीं न कहीं तो कोई बात आपके दिल को ऐसे हिट कर जाएगी कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये मेरा मकसद ज़िंदगी है। अगर ये मालूम नहीं होगा तो इतना तो ज़रूर मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे मकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अल्लाह से मांगे, और आखिर में बस यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जानो और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारो। बेसबाती ज़िस्त की तस्लीम करता हूँ मगर क्या ज़रूरी है कि बेमकसद भी हो जाए हयात। कोई नस्बुल ऐन हो गर आदमी के सामने, हस्तिये नाचीज़ भी साबित हो रूहे कायनात। एक हकीकत मुझ पे रोशन है जो करता हूँ बया, एक हकीकत मुझ पे रोशन है जो करता हूँ बया। जबकि मैं ए दोस्त तो मर्दे जहाँ दीदा नहीं, बे इरादा क्यों फिरे इंसान दश्ते दहर में, ज़िंदगी जो कुछ भी हो बरग़े ख़िज़ा दीदा नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।